आई एम आरिफ एंड यू आर वॉचिंग टेक्निकल लाइव स्टार चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। दोस्तों आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मेरी 60% है या 55% है या 60% है, तो मेरी स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी और मेरी फ़ीस वापसी होगी या नहीं होगी। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि फ़ीस वापसी उन्हीं की होगी जिनकी 70% है, तो क्या ये सच है कि जिनकी 70% है उन्हीं की फ़ीस वापसी होगी? यह जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए देरी किस बात की, बिना देरी करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी जो फ़ीस वापसी हो रही है केवल उन्हीं विद्यार्थियों की हो रही है जिनकी 70% है या 70% प्लस है। बहुत कम विद्यार्थी होंगे जिनकी 70% से कम है और उनकी फ़ीस वापसी हुई हो। आपकी हुई है या नहीं हुई है मुझे कमेंट्स कर जरूर बताना। तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अब जो फ़ीस वापसी हो रही है केवल 70% वाले विद्यार्थियों की ही क्यों हो रही है? तो दोस्तों ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जानते हो कि स्कॉलरशिप फंड पर आधारित होती है, इसलिए जिनकी लास्ट ईयर में ज़्यादा परसेंटेज थी पहले उनकी हो रही है फ़ीस वापसी, बाद में उनकी होगी जिनकी कम है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है जिनकी 70% से कम है उनकी फ़ीस वापसी नहीं होगी, ज़रूर होगी। तो मुझे आपको यही बताना था, काफ़ी स्टूडेंटों को कन्फ्यूज़न था कि हमारी फ़ीस वापसी होगी या नहीं होगी, हमारी 70% से कम है। तो अब आपको पता चल गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।